हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल भारत। और आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वर्ल्ड एंड के एच एंड की, जो कि बेस्ट एच के नाम से आता है। इसमें 37% फॉस्फोरिक एसिड होता है, जो कि एचिंग के लिए काम करता है। चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। गाइस, मैं किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे ऑलरेडी यूज करता हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। एक इसमें मैनुअल पेपर मिल जाता है, जिसे आप पढ़ के इसका यूज कर सकते हैं। एक इसमें एच एंड की सिरिंज मिल जाती है, जिसमें मटेरियल इंक्लूड होता है। और पीछे की तरफ देखेंगे तो इसमें एक्सपायरी डेट वगैरह देखने को मिल जाती है। और ये 3 ग्राम की सिरिंज आती है। और गाइस, इसमें एप्लीकेशन नीडल मिल जाती हैं, जिन्हें आप इसे आगे की तरफ अटैच करके इसका यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये अटैच करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसके कैप को हटाना है। कैप को हटाने के बाद इस सिरिंज को ऐसे अटैच कर देना है। अब ये अटैच हो चुकी है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। गाइस, इसके यूज की बात करें तो हम इसे पॉजिटिव रेस्टोरेशन से पहले करते हैं। आगे वो आपके स्टेप्स मैं अभी बताने वाला हूँ। चलिए अब हम इसके यूज़ करने के तरीके को जान लेते हैं। गाइस, इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हम कंपोजिट रेस्टोरेशन करने वाले हैं। यदि गाइस आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें एच के ऊपर वीडियो बनी हुई है। थ्योरेटिकल प्लस में प्रैक्टिकल दोनों ही उसमें इंक्लूडेड है। सबसे पहले आपको जिस दांत पे ये यूज करना है, उस दांत पे आपको कैविटी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद ये एजेंट को अप्लाई करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस दांत पे हमने कैविटी बनाई हुई है, तो आप इस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद गाइस, आपको 20 से 30 सेकंड के लिए इसको छोड़ना है, और उसके बाद आपको वाटर से रिंस कर देना है। फिर आपको ये ड्राई करना है, फिर आपको बॉन्ड यूज़ करना है। बॉन्ड को लाइट कलर से सेट करना है, उसके बाद आपको कंपोजिट रेस्टोरेशन कर देनी है। ये कुछ स्टेप थे गाइस इसको यूज करने के, जिसे हम कंपोजिट रेस्टोरेशन करने से पहले यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।